What's up? आज हम प्रेस करने वाले हैं 5 minute crafts के period hacks, क्योंकि आज है मेरा third day. कल मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी ये वाली फोटो एंड उसपे मुझे कमेंट आया कि एक मस्ता पीरियड लाइफ हैक्स वीडियो बनाओ ना. मेरे पास मेरे कुछ घरेलू हैक्स तो है बट मुझे कब से 5 minute crafts के हैक्स ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा पीरियड हैक्स ही ट्राई कर लेते हैं. लेट्स बिगिन द फर्स्ट हैक जो है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पीरियड क्रैम्प्स के लिए. तो उसके लिए ये वाला हैक था कि वो लोग ने लिया एक मोजा, उसमें भर दिए बहुत सारे चावल और उसको माइक्रोवेव में डाल दिया. नसीब ये था उन्होंने टाइम तो मेंशन किया है, लेकिन वो लोग टाइम मेंशन नहीं करते जल्दी से, और फिर बस उसको पेट में लगा के बैठ जाओ. अभी मेरा टेंशन ये है कि ये कितने टाइम तक गर्म रहने वाला है. तुम करके देखो. ये रहा मोजा, ये रहे चावल. क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ये ना एकदम सॉफ्ट टॉय वाला फीलिंग दे रहा है. अभी तो इसको ऊपर से बांध देते हैं. अब इसे डालते हैं माइक्रोवेव में. देखते हैं कितना गर्म है, उठा भी सकते हैं कि नहीं. वो काफी गर्म है, मैं यहाँ से उठा लेती हूँ. तो हम आ गए हैं पूरा 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद एंड ये कितना सही गर्म हुआ है. Although, ये ऑलरेडी काफी ठंडा हो गया, मतलब जब माइक्रोवेव से निकला था तो बहुत गर्म था कि मैं यहाँ टच भी नहीं कर पा रही थी, और अब तो ये काफी ठंडा हो गया. लगा के देखती हूँ. हाय, फीलिंग तो बहुत अच्छी है यार. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ये काम करेगा, बट एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है. और इसे ऑफिस वगैरह में भी यूज करना कितना इजी होगा, बिकॉज ये अगर बैग में पड़ा रहेगा तो माइक्रोवेव तो ऑलमोस्ट हर ऑफिस में होता है, तो आप बस माइक्रोवेव कर लो एंड आराम, एकदम ज्यादा आराम. हमारे पहले हैक को सरप्राइजिंगली मिलता है पूरा पूरा थम्स अप. यार मैं मन कर रहा है मैं पेट पर रख के बस सो जाऊं अभी. कोई नहीं, बट आए हमारे सेकंड हैक के लिए, जिसके लिए मैंने पहन लिया है चश्मा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. अब ये सेकंड हैक है हमारी इनर वेयर को अच्छे से फोल्ड करने का, कि वो एकदम इतनी छोटी सी बन जाए ताकि वो एकदम हमारे हाथ के साइज की बन जाए एंड कहीं भी फिट हो जाए, क्योंकि काफी बार पीरियड स्टार्ट होता है तो इनरवेयर खराब हो जाती है, हमें चेंज करना पड़ता है. तो एक्स्ट्रा इनरवेयर अगर बैक में होती है तो हमेशा काम आती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस फोल्डिंग हैक. ये रही इनरवेयर, पहले हमें इसे उल्टा करना है, फिर हमें इसे फोल्ड करते जाना है. और फिर उल्टा करना है, फिर इसके हाथ अंदर देने हैं, फिर इसे पूरा फोल्ड करना है. तो यहाँ आने के बाद इस वाले को पीछे ले जाना है. और ओ ये आ गई नवेल, काफी छोटी है, ये साइज की हो गई यार. मतलब मुझे तो नहीं समझ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि यार सेकंड हैक भी काम कर गया. यूजुअली 5 मिनट क्राफ्ट्स वाले वीडियो देख के लगता है कि कौन ट्राई करता होगा, ये कैसे काम करते हैं, नहीं काम करेंगे, बट हमारा सेकंड हैक भी परफेक्ट है. थम्स अप तो मुझे देना ही है, क्योंकि इतने कॉम्पैक्टली आ गया ना कि कोई भी पाउच में मैं डाल के रख सकती हूँ. तो अभी एक एक्स्ट्रा इनरवेयर हाइजीन के लिए तो हर टाइम बैग में होना चाहिए, कि क्या पता कभी किसी दोस्त के घर अचानक से रहने का मन कर जाए तो एटलीस्ट इनरवेयर तो चेंज खुद का करना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. अब थर्ड वाला एक्चुअली मैं पहले 2 बार कर चुकी हूँ, एकदम ऐसे डिट्टो नहीं. ये हैक है DIY सैनिटरी नैपकिन का, कि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको सैनिटरी नैपकिन मिल ही नहीं रहा, पैड कहीं आसपास नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो टॉयलेट पेपर.
ओवर. मेरे साथ ये दोनों बार मूवी देखते वक्त हुआ है एंड दोनों टाइम लेट नाइट शो था. 12 बजे मूवी खत्म हुई थी, वो मॉल पूरा बंद हो चुका था. मॉल के अंदर एक छोटा सा मिल्क शेक का दुकान खुला था, तो मैंने वहां पर उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे बहुत सारे टिश्यूज दे दो, मुझे जरूरत है. एंड वो टिश्यूज को मैंने कर दिया था, सिर्फ एक फोल्ड और वैसे यूज किया था. तो ये हैक है तब के लिए. अब इन्होंने तो काफी सारे फोल्ड्स किए हैं टॉयलेट रोल के, उसके अराउंड भी एक और बार रोल कर दिया ताकि वो निकले नहीं. मैंने कभी अराउंड वाला ट्राई नहीं किया, मैंने सिर्फ नॉर्मली ट्राई किया, लेकिन आज करके देख लेते हैं. यही वाला इनरवेयर खोल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लेते हैं टॉयलेट रोल. उन्होंने 4 बार फोल्ड किया है, तो यहाँ पे पहला लाइन है. तो एक डेफिनेटली ज्यादा फोल्ड्स करती क्योंकि ये बहुत पतला है एंड जब पीरियड शुरू होता है तो फ्लो एक्चुअली काफी हेवी होता है, तो हम और 3-4 फोल्ड कर लेते हैं. ये तो हो गया. अब लेते हैं हमारी इनरवेयर और इसमें लगा देते हैं ये ऐसे, और फिर एक अलग से पीस लेकर इसको इसके आसपास कर देते हैं रोल. एंड ये हो गया रेडी. कितना एफिशिएंट है, मतलब ये हिलेगा भी नहीं जगह से. मुझे तो शॉक पे शॉक लग रहा है. तीसरा हैक भी एक्चुअली काफी काम का है क्योंकि ये आसपास भी एक बार रोल करने से एकदम सिक्योर हो रहा है कि वो हिलेगा नहीं जगह से. मेरे लिए ये वाला पैड एक घंटे, एक मैक्स 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि ये प्योर टिश्यू पेपर है, तो इसमें सब एब्जॉर्ब होके अंत में लीक ही होने वाला है. पर अगर आप इतनी इमरजेंसी में हो तो ये आपको उतने टाइम में तो चल जाएगा कि आप मेडिकल स्टोर तक भाग पाओ. तो ये वाला हैक आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने तो इसको पहनकर भी देखा है एंड ये काम करता है. लेकिन ये लास्ट हैक, ये हैक नंबर 4, मैं ट्राई करने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे तो मुझे कोई होप्स नहीं है. मतलब नेगेटिव में होप्स है कि ये कुछ भी यूज का हो सकता है क्या. इसलिए मैं सबसे पुरानी वाली इनरवेयर ले आई, जो वेस्ट हो जाए तो चलेगा क्योंकि मुझे तो लगता है डेफिनेटली वेस्ट होने वाला है. देखना चाहते हो क्या हैक है? ये हैक है, वो अपने इनर वेयर पे एक एक्स्ट्रा पॉकेट बना रहा है ताकि आप उसके अंदर सैनिटरी नैपकिन रख पाओ. एक तो इतना छोटा सैनिटरी नैपकिन उनको कहाँ से मिल गया मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तो जो है वो सारे इससे बड़े ही है. सेकेंडली, इनर वेयर में क्यों रखना है, हमारे पास बैग होती है यार, हम बैग में रख सकते हैं. फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं. ये रही इनर वेयर. अब इसके ऊपर यहाँ पॉकेट बनाने की बात कर रहे हैं. अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि पैड इससे पहले से बड़ा है, ये कैसे फिट आएगा. उन्होंने जो बताया ना वो पैंटी लाइनर जैसा लग रहा है क्योंकि पैंटी लाइनर छोटा होता है. फिर भी हम बना के देख लेते हैं. ये है एक्स्ट्रा कपड़ा, ये कपड़ा मैं ले आई हूँ किचन से. दुआ करना कि मुझे डांटना पड़े इसके लिए क्योंकि इसे हम काटने वाले हैं. अब हम लेंगे ग्लू गन. पॉकेट तो अब बन गया है, अब फिर भी एक एक्चुअल पैड डालने का ट्राई करते हैं, शायद फोल्ड होके चले जाए. नहीं, ये फटने वाला है. फोल्ड करके तो चला गया, लेकिन इमेजिन इतनी बड़ी चीज इनरवेयर में हो, एक तो बहुत बड़ा भी लगेगा और अनकंफर्टेबल भी लगेगा. इसको लास्ट चांस दे देते हैं, पैंटी लाइनर डाल के देखते हैं. पैंटी लाइनर तो फिट आ गया, लेकिन ये फिर भी काफी कड़क है, तो अगर पहनेंगे तो 100% वजन भी लगेगा, कड़क वाली फीलिंग भी आएगी, तो अनकंफर्टेबल भी लगेगा. जिसका था ये तुमको इंतजार में होना. आई नो मैं बकवास गाती हूँ, लेकिन ये हैक से तो बेहतर ही है. ओके, मतलब मुझे लगा ही था कि ये हैक काम नहीं करेगा एंड मुझे नहीं समझ आता कि यार इनरवेयर में पॉकेट क्यों चाहिए. इसमें दिक्कत क्या है ना कि इसमें हम कुछ
कुछ भी डाले ना तो वो अनकंफर्टेबल रहने ही वाला है. मतलब इनरवेयर एक रीजन की वजह से सॉफ्ट मटेरियल में आ रही है, ना कि वो कंफर्टेबल लगे. और अगर हम इसमें सामान डालने लगे तो वो कैसे कंफर्टेबल रहेगा. तो इसलिए ये हमारा पहला. अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक गुड बाय.